नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के गांव नमोल में नकली शराब पीने से 3 मजदूरों की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। जंडियाला गुरु देहात पुलिस ने स्क्रैप विक्रेता से हुई लूट के मामले को सुलझाया, 3 आरोपियों को किया काबू। अमृतसर पुलिस ने बसंत एवेन्यू में महिला के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के हलका सुनाम के गांव नमोल में बीती रात 3 मजदूरों की नकली शराब पीने से मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि तीनों मजदूर गुरमेल सिंह, गुरतेज सिंह और चमकोर सिंह रात को इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन सुबह जब परिवार वालों ने देखा तो तीनों की मौत हो चुकी थी। वहीं गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में काफी समय से नकली शराब का धंधा चल रहा है और इन मजदूरों की मौत भी उसी नकली शराब की वजह से हुई है। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन नशे को लेकर बिल्कुल सतर्क नहीं है। लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर नकली शराब वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे गांव की तरफ से इस मामले को लेकर संघर्ष भी किया जा सकता है। थाना चीमा के SHO लखबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुबह नमोल गांव के सरपंच ने उन्हें सूचित किया कि उनके गांव में 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने इस संबंधी जांच शुरू कर दी। कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। असल दे विच नमोल पिंड दे विच 3 मजदूर ने, वो तिना दी नजायज़ शराब आ जिहड़ी वो लगातार 1-2 दिन तो पी रहे थे। दसन चाहुंदा उरे आले दुआले वी उह 2-3 दिन लगातार दारू पीती उन्होंने, उन्होंने रात भी कट्ठे ने दारू पीती हैगी। तो वो नजायज़ दारू आ जिहड़ी उहदे च पता नहीं तां कहो जिहा जहरीला कुछ पाया होया सीगा जां बहुत घटिया सीगी, क्योंकि लगभग आपां बहुत समय तो यह बिलकदे आ रहे हाँ वी यार जिहड़ा नशा है ये बहुत भैड़ी चीज़ आ। वो बेशक जिहड़े मर्जी कोई जिहड़ा भी नशा गा बेशक कोई शराब आ, क्योंकि नजायज़ शराब खबर कादी बनती है, गोलियां की बनती है, वो कास चीज़ की बनती है, होर बड़े कोई सिगरेट वगैरह कोई होर है। वो असल दे विच प्रशासन नूं सारा पता यार कित्थे विकदा कौन वेचदा, क्योंकि लगभग ये तो है नहीं भी नमोल पिंड किसी नजायज़ या शराब दे या किसी नजायज़ नशे का भी परचा ना होया हो, बड़े परचे हुए हैं, प्रशासन नूं पता। इसलिए असीं मंग भी करते हैं भारतीय किसान एकता याद वालों तो सारे नमोल नगर वालों भी यार ये सख्त पैंतड़ा जिहड़ा प्रशासन नूं लैना चाहिए तुरंत। अज सवेरे 8:15 की गल है, मैनू इतों पिंड मिर्जापत्ती दे नमोल सरपंच गुरदास का फोन आया भी साढ़े पिंड सपरिट पीन नाल मौत हुई है। तो मैं मौके पर पहुंचा, इतने आके देखा भी गुरमेल पुत्र हरी, गुरतेज पुत्र हरनेक सिंह, चमकौर पुत्र दर्शन सिंह, 3 जणां दी डैथ हुई हुई है। तो इन्होंने लोगों ने दसण मुताबिक सपरिट पीन नाल हुई है, बाकी असीं मौके पर पड़ताल कर रहे हैं। जो भी होगा प्रोसीजर वो असीं फॉलो करके अंडर लॉ जो भी कार्रवाई हो करा। जंडियाला गुरु देहात पुलिस ने गांव जानिया में स्क्रैप विक्रेता से हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP इकबाल सिंह और SHO जंडियाला गुरु ने बताया कि शिकायतकर्ता सूरा राम की ओर से बयान दर्ज करवाए गए कि गांव जानिया में उसके लगभग 5 लाख रुपए चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान आकाशदीप उर्फ आकाश, जशनप्रीत सिंह को 8,300 रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन, एक डमी पिस्तौल, एक दातर और एक मंगलसूत्र के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में सुरजीत सिंह निवासी गांव काका कंडियाला को भी 2 जिंदा रौंद, बिना नंबर के मोटरसाइकिल, 2 जाली नंबर प्लेट, 2 जोड़ी पायल, 1 मोबाइल और 32,000 रुपए की नकदी सहित काबू किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। SHO साहब ने
तीन बंद चोरी के माल समेत काबू किया। ये बंद जे तीन बंद काबू किए गए इन्हों है नंबर एक दे है वा अपना आकाशदीप सिंह आकाश पुत्र कश्मीर सिंह ये को कक्का कंडियाला पिंड थाना सिटी तरन तारण का रहने वाला तो बाकी जो दो दोषी है वह भी इतने एको पिंड के कक्के कंडियाले रहने वाले ये को 8300 रुपया कैश एक मोबाइल बरामद कर किया गया। जशनप्रीत पुत्र मेजर सिंह वासी कक्का कंडियाला तो एक डमी पिस्टल एक दातर एक मंगलसूत्र सोना 62400 रुपये कैश। सरजीत सिंह जरा तीजा दोषी है ये को पुत्र मनजिंदर सिंह ये को एक मोटरसाइकिल बिना नंबरी जाली नंबर प्लेटा दो जोड़े झांजरा चांदी एक मोबाइल से 32300 रुपये कैश बरामद किया। अमृतसर के थाना मजीठा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने बीते दिनों बसंत एवेन्यू इलाके में एक महिला के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि बसंत एवेन्यू इलाके में एकम हिला से मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान पिस्तौल की नोक पर 2500 रुपये की नकदी मोबाइल फोन पर्स जिसमें जरूरी कागजात थे लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों का पीछा कर इनका पीछा किया और इनके पास से लूट के 1500 रुपये मोबाइल और जरूरी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका एक साथी जिसके मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये आए थे जो कि इस समय जेल में बंद है उसे भी प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले महीने की 18 तारीख में एक बड़ी वड्डी वारदात हुई सी जिस विच बसंत एवेन्यू की रहने वाली जो कि गरिमा नाम की लड़की सी गरिमा खन्ना वह तो उसके एक फैमिली मैंबर जदों उन्होंने अपने घर के मूहरे आके अपनी गड्डी पार की तो तुरंत दो अणपछाते नौजवान मोटरसाइकिल आते हैं तो वह मोटरसाइकिल जो गरिमा जो कि लैफ्ट साइड बैठी सी उसकी बारी खोल के उस को वैपन की नौक पर उस को उसका परस खो के लै जाते हैं जिस विच 2500 के करीब रुपया इस तो अलावा उसका मोबाइल फोन तो कुछ जरूरी कागजात जो उस तो खो के भज जाते हैं। इस तो बाद जो साड़ी टीम ने करीब 20 दिन उन्हों का पूरा सीसीटीवी राही पिछा किया तो अच्छ सानू इस मुकदमे के असी जो मुख दो दोषी सी जो मोटरसाइकिल से आए सी जिस विच पहला राघव जो कि पाम गार्डन मजीठा रोड का रहने वाला तो दूसरा अमनदीप जो कि जोड़ा फाटक का रहने वाला दोनों ये मोटरसाइकिल से आए थे इन्होंने वालों खोह की गई सी तो इन्होंने वालों असी हुण जो उस लेडी का मोबाइल फोन सी उसके जरूरी कागजात तो 1500 रुपया इस कोलों असी बरामद कर चुके हैं। पंजाब में पिछले दिनों हुई बेमौसम की बरसात के चलते किसानों की गेहूं की फसल का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है जिसे लेकर पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया था। इसी को लेकर केंद्र सरकार की एक टीम पंजाब की मंडियों में पड़े गेहूं की क्वालिटी चेक करने और किसानों के खेतों में जाकर उनकी गेहूं की फसल के हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची। पंजाब में जिना खराबा होया हैगा उदे लिए सैंपलिंग वास्ते टीम आई है उदे नाल सी आए टीम सैंपल करने वास्ते। तुहाडा शुभ नाम की है? मेरा सतवीर सिंह जी। डिपार्टमेंट तुहाडा? मेरा मैं डीएफएससी संगरूर। हाँ जी, कितने कितने मंडियां असी नाल लड्डा पिंड दे नाल अड़जवानी जिहड़े पिंड ने उत्थे असी खेतां च भी गए हैगे ते कल असी मुणा खनौरी लहरा गगा ते सुनाम वाले पासे सैंपल लेके आए। किस तरह सैंपलों के लस्ट लॉस है श्रेवड़ है जी बाकी डैमेज का जोड़ा है हूँ अज ले सैंपल तो वो जो हम रिपोर्ट आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो किस तरह लगता किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा बेमौसमी बरसात कारण फसल तबाह हो गई है? नो डाउट देखो ये खराबा तो है ही है खराबा तो है ही है पर हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलैक्सेशन देगी उस तो बाद। हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन के सुयोग्य दिशा निर्देश में 91वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि अनिल कुमार रिटायर्ड आईपीएस परामर्शदाता पीएसजीजीजी इंचार्ज सीएम विंडो हरियाणा विशिष्ट अतिथि जस्टिस रिटायर्ड एनके सूद उप प्रधान डीएवी सीएमसी एवं चेयरमैन लोकल कमेटी जबकि विशेष अतिथि समाजसेवी सुधीर शर्मा और एडवोकेट अशोक परूथी मेंबर लोकल कमेटी का स्वागत हरियाली व खुशहाली का प्रतीक ग्रीन प्लांट देकर किया गया। इस अवसर पर 67 छात्राओं को रोल ऑफ ऑनर व 941 छात्राओं को स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की गईं।
प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने कॉलेज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त शानदार उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर सरीन ने मुख्य अतिथि को ओम ध्वज व पेंटिंग भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज की विभिन्न विभागीय पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। मास कम्युनिकेशन विभाग द्वारा डॉक्टर इंदुबाली की कहानी पर आधारित एवं रमा शर्मा द्वारा निर्देशित लघु फिल्म दो हाथ की झलक प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कनोवेक्शन को इंचार्ज डॉक्टर शालू बत्रा, डीन अकादमिक डॉक्टर सीमा मरवाहा, फैकल्टी इंचार्ज नवरूप डॉक्टर नीलम शर्मा, डॉक्टर संगीता अरोड़ा सहित टीचिंग व नॉन टीचिंग सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। 1926 में लाहौर में महात्मा हंसराज जी के इस विजन से कि बेटियां, भारत की बेटियां हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रही, उन्होंने घर घर जाके भारत की बेटियों को इकट्ठा किया हायर एजुकेशन के लिए। और आज दिस इंस्टीट्यूशन हंसराज महिला महाविद्यालय इज द 4000 प्लस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और एलुमनाई हंसराज महिला महाविद्यालय के देश विदेश के कोने कोने में नाम रोशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारत की पहली महिला डिप्टी कमिश्नर मैडम सरला एचएमडी की स्टूडेंट, अगर भारत की पहली महिला गवर्नर एचएमडी की स्टूडेंट, अगर बात करें इंडिया की करंट क्रिकेट कैप्टन दैट इज हरमन एचएमडी की स्टूडेंट, प्रिंसिपल डॉक्टर सरीन के कुशल नेतृत्व में आज हंसराज महिला महाविद्यालय देश की सर्वोच्च संस्था बनकर उभरा है। हंसराज महिला महाविद्यालय के रागिनी ऑडिटोरियम में आज के इस दिन पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार राव आईपीएस, गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस श्री एम के सूद, गेस्ट ऑफ एमिनेंस श्री सुधीर शर्मा जी, श्री अशोक पुरोहित जी का मैं अपनी तरफ से हंसराज महिला महाविद्यालय की लोकल कमेटी की तरफ से, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यकीनन बच्चों आज डॉक्टर रमेश आर्या जी को भी यहाँ होना था, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें अमृतसर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ा। हम उनकी अनुपस्थिति में उनकी शुभकामनाओं के लिए उनका भी स्वागत करते हैं। स्वागत का यही भाव विभिन्न संस्थानों से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, खास करके पेरेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे दोस्तों के लिए भी है। ये भाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों आपके लिए, क्योंकि आपकी वजह से ही आज का ये उत्सव संभव हो सका है। देश की बिल्ट इन किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी क्रोप्टन की ओर से मॉडल टाउन क्रोप्टन एक्सक्लूसिव स्टोर की धमाकेदार शुरुआत की गई। इस स्टोर में ग्राहकों को एक छत के नीचे चिमनी, गैस होब्स, बिल्ट इन ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, डिशवॉशर और किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत से उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस मौके पर कंपनी के जीएस उदय घुग्गा, मोनाराज पुरकर, निपुण शर्मा, गौरव वर्मा के अलावा द चिमन वर्ल्ड के धीरज बाहरी, अनुपमा बाहरी, नाइस बाहरी समेत कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। तो आज पंजाब में हमारे इस नए एक्सक्लूसिव स्टोर्स का ओपनिंग है जालंधर में, और उस सब के लिए हमारी टीम मुंबई से, दिल्ली से आई हुई है। मैं मोना रायपुरकर, मैं ऑल इंडिया हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हूँ और ब्रांड स्टोर्स हेड हूँ। और उस नाते कि मैं बताना चाहूँगी कि क्रॉम्पटन ये मोर देन 75 इयर्स एक्सपीरियंस हुआ हुआ ब्रांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। तो उसमें हमने ये जो किचन सेगमेंट है इसमें जो बिल्ट इन अप्लायंसेस है
इस पे फोकस करने का ये है कि हमारा एक्सपर्टीज़ है क्रॉम्पटन के एयर सब्जेक्ट में, और वहाँ से लेके ये कस्टमर्स के किचन तक हमने ये सोचा है कि हमने जो चिमनी, गैस हब, माइक्रोवेव अवन ये इंट्रोड्यूस करके कंज्यूमर का लाइफ कैसे इजी आसान बनाया जाए, तो आपका मेन ये हमारा उद्देश्य ये था कि कंज्यूमर के पेन पॉइंट समझना, उसका हल ढूंढना, और उनको रोज़ की उनकी कुकिंग, एक तो उनकी कुकिंग उनके लिए बहुत कंफर्टेबल हो, और कंफर्टेबल होने के साथ साथ वो एंजॉय भी कर सके कुकिंग। सारे पंजाब के दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, मेरा नाम गौरव वर्मा है, मैं क्रॉम्पटन ब्रांड लई लार्ज किचन अपलायंसिस लई पूरे पंजाब का सेल्स देखदा, ते असी आज खुशी की गल है, आज असी पहले दिन अपना फर्स्ट ब्रांड स्टोर खोलिया जलंधर का, तो वो जलंधर के ब्रांड स्टोर दे विच तुसी देख सकते हो साढ़े को चिमनी, चूल्हा, अवन, माइक्रोवेव, वार्मिंग ड्रॉअर, यूरोपियन डिश वॉशर, स्मॉल अपलायंसिस, फैन, इंडक्शन, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ, एंड वी हैव पिट इन टेक्नोलॉजी, वी कैन से वी हैव सम स्पेशल फीचर्स विद अस, लाइक अपने को साड़ी ग्रैंड आर्ट सब तो वधिया सीरीज़ का मॉडल हैगा, ये ऑटो क्लीन भी हैगा, सेंसर स्मार्ट भी हैगा, यदा सक्शन जो है वो 1890 है, तो यदा जो नॉइस लैवल है वो 40 डेसीबल्स, मतलब इन्नी शान चिमनी, एक चिमनी सब तो इंपॉर्टेंट वह सक्शन प्लस नॉइस लैवल होंगे, वो इस तो अलावा किसी चिमनी नहीं मिल सकता। उस तो अलावा ये जोड़ा हॉब है ये अपने आप से एक इदा का बर्नर है जो इंडियन कुकिंग लई पंजाबी कुकिंग लई सब तो वधिया है, ये हैगा कंप्लीट ब्रास बर्नर, 100% ब्रास बर्नर हैगा, ये फ्लेम फेलियर डिवाइस के नाल है, तो सब तो बेस्ट फीचर जोड़ा कॉम्पीटिशन को अवेलेबल नहीं है, ये टाइमर लगे हुआ है, असं एक बर्नर के 90 मिनट्स तक का टाइमर सैट कर सकते हैं, 2 मिनट तो 90 मिनट्स, तुम्हें साग बनाना है, दाल बनानी है, कोई भी सब्जी बनानी है, तुम अपना रेगुलर काम करते रहो, टाइमर लाओ, ऑटोमैटिक कट ऑफ हो जाएगा। फ्लेम फेलियर डिवाइस साढ़े हर बर्नर के है, सेफ्टी का ध्यान खास रखा गया है, तो सब तो बेस्ट पार्ट है साडा कोई भी प्रोडक्ट खरीदो कैश लो या कार्ड से लो तो 3000 रुपीज़ कैशबैक आएगा, 1500 रुपये का तुम्हें डक्टिंग किट मिलेगा, प्लस 500 रुपये की इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री, हर प्रोडक्ट पर अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपये का एवरेज बेनीफिट है। मैं नाइस पारी तो चिमनी वर्ल्ड यूनिट ऑफ शिव शक्ति एंटरप्राइज मॉडल टाउन तो थोड़े गल कर रहे हैं, तो अच्छ साढ़े शोरूम की इनोग्रेशन क्रॉम्पटन सिग्नेचर स्टूडियो की इनोग्रेशन है, जिथे मैं तो सारे जलंधर वासियों अगे इनवाइट करदा, तो तुम इतने अपना बेस्ट क्वालिटी तो बेस्ट प्राइजिस एक्सकलूसिव किचन अपलायंसिस जिदा कि स्मार्ट ऑन एनेबल्ड, तो इंटेलीजेंट ऑटो क्लीन एनेबल्ड चिमनीज, प्लस टच एनेबल्ड एंड टाइमर एनेबल्ड हॉब्स विद फ्लेम फेलियर डिवाइसिस एंड ऑलसो टैबलेट हॉब्स तुम मिलनगे, तो स्टीम अवनस, पायरोलिटिक अवनस, वार्मर ड्रॉअर्स जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जेडे कि कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता, वो तुम इस स्टोर पर मिलने देखने मिलने, जो कि इस इलाके की या इस सिटी की जो बहुत देर तो मांग सी कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिदे वास्ते कंज्यूमर नू किसी दूसरी सिटी के जाना पैंदा सी, चंडीगढ़ या मेट्रो सिटीज़ दे विच जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल सी वो असी इस शहर दे विच तुहानू प्रोवाइड कर रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से मंजूर शुदा जालंधर की नामी कंपनी इजी वीज़ा की ओर से 1 जनवरी से 8 अप्रैल तक 1100 वीज़ा लगाने की सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि इजी वीज़ा कंपनी फाइल बनाने में माहिर है। कंपनी की इस सफलता की खुशी को साझा करते हुए इजी वीज़ा ने बैसाखी के मद्देनज़र एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें कंपनी अधिकारियों ने इजी वीज़ा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कंपनी के कर्मचारियों ने सेमिनार में आए हुए लोगों के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक टूरिस्ट वीज़ा प्राप्त करने के लिए ई वीज़ा को बेस्ट टूरिस्ट वीज़ा की श्रेणी में 2 और बेस्ट इमिग्रेशन श्रेणी में 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ अपने भरा शुभांग शर्मा का जिन्होंने मैंने बुलाया, तो मेरे भरा ने वे और हर एक सुपने ने, हर एक आपो अपने अरमान ने कि असी कैनेडा जाइए, असी उस देश जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, सो इस चीज़ को पूरा करने वास्ते ईजी वीज़ा आया है, तो जिथे वीज़ा ईजी हो बंदा उत्थे ही जाता है। और मैं पूछा सी शर्मा जी ने, मैं क्या किदा रहा, वो कहते जदों का असी ओपन किया है जनवरी तो ला के हूँ तक,
बड़े सारे वीज़े लगे ने, बड़े सारे लोग जेड़े वो खुश होए ने, है ना। तो अगे भी असी इदा ही लोगों की सेवा करते जावे। विसाखी के मौके पर भी, विसाखी आने वाली है, ये मौके पर भी बहुत सारा उद्यम किया गया है जेड़े कैनेडा वगैरह जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते। और मैं जो एंटर किया तो मैं देखा बड़े सारे लोग ऐसे ने जिन्हें साढ़े पुलिस अफसर साहबान ने और होर बहुत अच्छे अच्छे लोग ने जिन्हों के बच्चों के वीज़े हुए ने कैनेडा वास्ते या जिहड़ी जिहड़ी कंट्री जाना चाहते हैं। और बस यही कहना चाहना कि ये जिहड़ा ऑफिस है ईजी वीज़ा, इत्थे बड़े ईजी तरीके नाल इदा लगता कि असं अपने घर बैठे हैं, अपने भरा नाल गल कर रहे हैं। शिवांग शर्मा भाजी इदा उन्होंने डील करते हैं जिमें भरा वड्डा या छोटा भरा, है ना। इदा जिथे फैमिली वर्गा नाता बन जाए उत्थे फिर सब कुछ ईजी हो जाता है। इस करके रखे ईजी वीज़ा8 तरीक हुई अज की जो मैं गल करा घट्टो घट 80+ वीजे इस महीने के लग चुके हैं, ठीक है जी। सिर्फ उस चीज़ की सैलीब्रेशन हो रही है जिन्हें क्लाइंट ने साढ़े तेना ट्रस्ट किया, साढ़े तेना यकीन किया, तो उन्होंने अपने जो प्रोफाइल से साढ़े को लैके आए, प्रॉपर असैस करवाई, तो उन्होंने अज अपने वीज़ा हासिल किए। सिर्फ भरोसे के काबिल इस तरह है, देखो जो साढ़े कोलाइंट आता अभी पहला प्रोफाइल सारी चैक कर ली, जे तो एलीजिबल हैगा आ फिर वो अकॉर्डिंग असं उन्होंने फाइल लैनी, अदरवाइज उस फाइल लैन का कोई फायदा नहीं जिदा वीज़ा आने के चांसिस ना। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸਰ ਦਾ ਫੈਨ ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡ, ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ पिछले दिनों पड़ी बेमौसमी बरसात के कारण किसानों के खेतों में पकी पकाई फसलों का बड़ा नुकसान हुआ था। किसानों की गेहूं की फसल बारिश के कारण जमीन पर गिर गई थी। इसी संबंधी किसानों ने कहा कि इस गिरी हुई फसल को वे हाथों से काटने को मजबूर हैं, क्योंकि कंबाइन से काटते तो एक एकड़ का 1200 रुपये खर्च आता, जबकि हाथों से कटवाने के लिए एक एकड़ का 8000 खर्च लेबर को देना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक अगर कंबाइन से काटेंगे तो झाड़ में बड़ी कमी आएगी और गेहूं गिरी होने के कारण ज़्यादातर गेहूं कंबाइन नहीं उठा पाएगी। इसके अलावा पशुओं के चारे में भी बड़ी कमी आएगी। वहीं किसानों ने सरकार से जल्द उनके नुकसान का मुआवजा देने की अपील भी की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरे लिए 4 एकड़ फसल है जिहड़ी कि बारिश होण दे नाल पूरी तरह डिग गई थी, धरती दे नाल हरियां होण लगी सी कणक दी बल्ली, तो इस करके मैनूं मजबूरी करके कपैन तो बढ़ाउण दे कारण जिहड़ी कि कपैन दे नाल मैनूं बहुत ज़्यादा सस्ती पैंदी थी, पर जिहड़ी डिग गई कणक कुदरत दे नाल, इस करके फिर मैनूं लेबर दे नाल बढ़ाउणी पई आ, जिहड़ी कि लेबर 8000 रुपये नूं किले नूं पै रही आ। तो क्योंकि जिहड़ी कि खाण नूं इह साल भर अपनी कणक आ, कणक तां चलो हो जांदी कपैन नाल वढ के, जिहड़ी डंगरां दा करके जरूरी सी तूड़ी, वह कि हत्थां नाल लेबर नाल वढ के चलो तूड़ी तो होजू, क्योंकि यह तूड़ी का जिहड़ा रेट आ काफ़ी ज़्यादा हो जाता, 1500 रुपये या 2000 रुपये कुंटल हो गया, तो यह महंगे मुल की तूड़ी हरेक छोटा किसान नहीं लै सकता। इस करके क्योंकि मैं लेबर के करके तूड़ी तो हुण चलो तूड़ी कट्ठी होजू, डंगरां दा तां होजूगा गुजारा, तो एक साल भर की फसल की मजबूरी होगी जिहड़ी कि मैं हत्थीं लेबर नाल कटवाउणी पई इह चर।